एक बार की बात है, दो मित्र एक घने जंगल से होकर कहीं जा रहे थे। दोनों काफी गहरे मित्र थे और अपनी मित्रता को लेकर दोनों ही बातें करते हुए जा रहे थे। जंगल बहुत ही घना था तो उनमें से एक मित्र काफी डर रहा था। भाई देखो तो कितना घना और डरावना जंगल है, यहाँ तो बड़े बड़े जानवर रहते होंगे ना, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। हाँ हाँ वो तो है, पर तू डर क्यों रहा है? मैं जो तेरे साथ हूँ, वैसे तो मुझे देखकर कोई भी आसपास भटकता भी नहीं है, लेकिन फिर भी कोई जानवर आ भी गया तो मैं उसे इतना मारूंगा कि वो मेरे सामने आने की जरूरत भी नहीं करेगा। भाई तुम्हें डर नहीं लगता? अरे डर किस बात का, मैं किसी से डरता नहीं। जानता है एक बार इसी रास्ते पर मैं जा रहा था तो मुझे एक शेर मिल गया। भाई क्या कहा, शेर? हाँ शेर। फिर क्या हुआ भाई? होना क्या है, मैंने उसकी पूंछ पकड़ी और जोर जोर से हवा में घुमा घुमा कर इतना मारा कि उसके सारे दांत तोड़ दिए मैंने। क्या बात है भाई, तुम तो बहुत बहादुर निकले। तभी तो कह रहा हूँ मेरे होते हुए तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। अब चलो। ठीक है भाई चलो। इतने में ही सामने से ही बहुत ही बड़ा भालू उन्हें नजर आया। भाई भाई वो देखो भालू। आज मर गए भाई। भाई इसके भी दांत तोड़ दो तुम। हाँ भाई मैं अभी आया। अरे अरे भाई तुम मुझे अकेले छोड़कर कहाँ जा रहे हो? जान बचानी है तो इसी पेड़ पर चढ़ जा प्यारे, चढ़ जा जल्दी से। इतने में वो भालू और भी पास आ गया था। अब मैं क्या करूं? मरने की एक्टिंग करता हूं। मैंने सुना है भालू मरे हुए को नहीं खाता, जल्दी से मर जाता हूं। इतने में ही वो भालू नीचे लेटे मित्र के करीब आकर उसे देखने लगा। उसे सूंघा और उसके शरीर का पूरी तरह मुआयना करके आगे बढ़ गया। जमीन पर लेटे मित्र ने राहत की सांस ली और पेड़ पर चढ़ा मित्र बहुत हैरान था। आज तो बाल बाल बच गया भाई, पर ये भालू इसके कान में क्या कह के गया? चलो उसी से पूछता हूँ। भाई भाई तुम ठीक तो हो? मैं भालू को मारने के लिए एक बड़ा सा लकड़ी का डंडा लेने गया था। कहाँ है वो भालू का बच्चा? अरे भाई वो तो तुम्हारे डर से पहले ही भाग गया। अच्छा अच्छा भाग गया, नहीं तो आज वो मेरे हाथों मारा जाता। पर भाई एक बात बताओ, मैंने देखा कि तुम्हारे कान में वह कुछ कर रहा था, वो क्या कर रहा था? भाई वो कुछ नहीं कर रहा था, बल्कि कह रहा था कि बुरे वक्त में असल दोस्त की पहचान होती है, इसलिए कभी भी ऐसे दोस्तों के साथ मत रहो जो तुम्हें मुसीबत के समय अकेला छोड़कर भाग जाए। सच्चा दोस्त वही होता है जो बुरे से बुरे वक्त में भी अपने मित्र का साथ नहीं छोड़ता और मुसीबत के समय अपने मित्र की मदद करता है। एक गांव में एक लालची कुत्ता रहता था। वह गांव में घूम घूम कर खाने की तलाश करता था। वह इतना लालची था कि उसे जितना भी खाने के लिए मिलता था उसे कम ही लगता था। गांव के दूसरे कुत्तों के साथ पहले उसकी अच्छी दोस्ती थी, लेकिन उसकी इस आदत की वजह से सभी उससे दूर रहने लगे, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। एक दिन वो गांव से जंगल की ओर जाने लगा। रास्ते में वह पुल के ऊपर से नदी पार कर रहा था।
तभी उसे एक हड्डी मिल गई। हड्डी को देखकर उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। उसने सोचा कि इसका आनंद तो अकेले ही लेना चाहिए। वो जैसे ही पुल के ऊपर से नदी पार कर रहा था, तभी उसकी नजर नीचे नदी के ठहरे हुए पानी पर पड़ी। उस समय उसकी आंखों में सिर्फ हड्डी का लालच था। उसे यह भी पता नहीं चला कि नदी के पानी में उसका ही चेहरा नजर आ रहा है। उसे लगा कि नीचे भी कोई कुत्ता है जिसके पास एक और हड्डी है। उसने सोचा कि क्यों ना उसकी भी हड्डी छीन लूं, तो मेरे पास दो हड्डियां हो जाएंगी, फिर मैं एक साथ दो हड्डियों को मजे से खा सकूंगा। ऐसा सोचकर वह जैसे ही भौंका, उसके मुंह से हड्डी सीधे नदी में जा गिरी। मुंह से छूटकर हड्डी के पानी में गिरते ही कुत्ते को होश आया और उसे अपने किए पर पछतावा हुआ। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। लालच करने से हमारा ही नुकसान होता है।